कोविड और ब्लैक फंगस से भयभीत दंपति ने की खुदकुशी। हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार के लिए छोड़े पैसे। बरेली में सपा और महान दल ने किया शक्ति प्रदर्शन, निकाली जन आक्रोश यात्रा, जताया विरोध। भारत में कोरोना संक्रमण के कल के मुकाबले 40% ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 444 लोगों की मौत। पहाड़गंज और करौल बाग में 700 से अधिक गेस्ट हाउस और छोटे होटल होंगे बंद। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। जनपद मुजफ्फरनगर में विगत दिवस थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव अलमासपुर से 7 वर्षीय वंश नामक बच्चा ट्यूशन जाते समय अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया था। वहीं पुलिस ने दिन रात मेहनत करके उस बच्चे को 3 दिन बाद गांव बागोबली के जंगलों में स्थित नुकसान पड़े हट्टे से एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय तथा थाना नई मंडी इंचार्ज अनिल कपरावन एसओजी के अथक प्रयासों से सकुशल बरामद कर लिया था, जिसमें 3 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए थे और 2 पुलिसकर्मी भी आमने सामने की फायरिंग में घायल हो गए थे। वहीं बच्चे के माता पिता व परिजन भी जबरदस्त खुशी का इजहार कर रहे थे। बताते चले कि परिजनों ने ढोल बजवा कर मिठाई खिलाकर तथा फूलों से पुलिस वालों का बहुत सम्मान किया। परिजनों ने कहा, मुजफ्फरनगर पुलिस हमारे लिए देवदूत है, जिसकी वजह से आज हमारा बच्चा हमें सकुशल प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरनगर पुलिस को सम्मानित करने में सैकड़ों अलमासपुर के ग्रामवासी मौजूद रहे। जी अनिल जी, आज नई मंडी थाना इंचार्ज और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है, क्या कारण है? सर, अभी हमारी 10 अगस्त को हमारा बच्चा घर से लापता हो गया था और हमने FIR कराने के बाद हमें पता लगा कि बच्चा लापता है और उसको किडनैप किया गया है, उसका अपहरण कर लिया गया है। लेकिन प्रशासन ने इतना अच्छा वर्क किया और पूरी टीम ने इतना सहयोग किया, मतलब हमारा बच्चा सही सलामत हमें मिला। आज हमने उनके सम्मान में छोटा सा उनकी माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। कितने घंटे बाद मिला था आपको? हमारा बच्चा 3 दिन में मिल गया सर। 3 दिन जी। क्या कहना चाहते हैं पुलिस के लिए? सर, यही कहना चाहेंगे, जो पराक्रम यहाँ की मुजफ्फरनगर पुलिस ने दिखाया है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमें इतना गर्व हो रहा है अपनी पुलिस के ऊपर कि ऐसा लग रहा है कि अब हम किसी भी क्षेत्र में, अपने मुजफ्फरनगर में जो कि एक आपराधिक शहर था, उसमें इतनी सुरक्षा प्रदान की है कि 3 दिन में बच्चा बरामद हो गया। इससे बड़े शब्द की जितनी भी तारीफ करें प्रशासन की कम है। राजगंज जनपद के ठूटीबारी थाना क्षेत्र में बीती 3 अगस्त को पुलिस एवं SSP की संयुक्त छापेमारी में बरामद हुई 686 करोड़ की प्रतिबंधित नशीली दवाओं के मामले में फरार मुख्य अभियुक्त को पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम ने भारत नेपाल सीमा पर आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में उसने कई अहम जानकारी दी है, जिसकी जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही करेगा। 3 तारीख को ठूठीबारी पुलिस और SSP के द्वारा एक प्रतिबंधित नशीली दवाओं का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जब्त किया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी। इसका जो मुख्य अभियुक्त गोविंद गुप्ता था, वो फरार चल रहा था, उसमें 25,000 का इनाम घोषित था, इसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इसने 6 एजेंसीज के नाम बताए हैं, जिसमें 4 एजेंसी महाराजगंज की हैं, 2 एजेंसी गोरखपुर की हैं, जिनसे ये सप्लाई लेता था। एक व्यक्ति का नाम बताया है, जिससे ये नकली रैपर वगैरह लेके लगाता था, उसकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में एक SIT का गठन किया जा रहा है, जिन जिन एजेंसीज से इसने दवाएं आदि खरीदी हैं, किस तरह खरीदी हैं, बिल को दे के खरीदी हैं या गलत तरीके से खरीदी हैं, SIT पूछताछ करके इसमें आगे कार्रवाई करेगी। तो इसको कहां से पकड़ा गया है? नेपाल भागने के, ये नेपाल भागने के प्रयास में था, ठूठीबारी क्षेत्र से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। सर, जो बरामद हुई थी दवाएं, क्या पूछताछ में पता चला कि कहां ये पाई जाती थी? ये विभिन्न मेडिकल स्टोरों को बेचने की बात बताई है इसने, विभिन्न लोगों को इंडिविजुअल बेचता था, इसके अलावा नेपाल भेजने की भी बात बताई है। नहीं, कोई करेंसी किसी ढंग की बरामद नहीं हुई है और आरोपित कैसे बता रहा है मुझे मालूम नहीं है, किंतु वहाँ पे जो भी सीजर हुआ है उसमें कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे और किसी प्रकार की करेंसी नहीं मिली। करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चोरी किए गए 4 किलो सोने के आभूषण व 1 किलो चांदी के आभूषणों सहित नकदी कुल 2 करोड़ 71 लाख
कि चोरी का माल बरामद हुआ है। थाना उत्तर व रामगढ़ पुलिस के संयुक्त प्रयास से बड़ी चोरी का सामान बरामद किया गया है। 5 अगस्त को जलेसर रोड स्थित अरुण शर्मा के मकान से लॉकर तोड़कर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। सोने चांदी के आभूषणों को गिरवी रखने का काम करते थे दोनों चोर। पहले से ही इनके घर आते जाते थे, तभी घटना को अंजाम दिया गया। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने मामले का खुलासा किया। ये रिटायर्ड हैं, बहुत से वृद्ध आदमी हैं। ये अपना एक दुकान रखे थे कपड़े की, उसी में अपना ये भी करते थे, कोई गिरवी ला के रख लेते थे, अपना काम धंधा चलाते थे। इनको दोपहर में मैं शॉर्ट में बताऊँ, नींद आ गई थोड़ी सी। ये जो आपके सामने संतोष है, ये उनकी नींद के टाइम पर अंदर घुस गया। सीधे साधे आदमी शर्मा जी हैं, अंदर गए, अंदर बंद कर लिया। इनकी चाबी भी तिजोरी की वहीं रखी रहती थी, कोई चाल पेंच के आदमी थे नहीं। इसने पूरा इनका तिजोरी खोल कर पूरा इतना माल आपके सामने है, ये करीब 2,71,65,000 का सामान है, पूरा निकाल के ले गया। ये ले गया अपना ये अपने भाई को दिया, इसने भाई ने इसको ज़मीन में खोद के गाड़ दिया। फिर मुकदमा लिखा गया, हम लोग इसके पीछे पड़े, बहुत आहत थे शर्मा जी। मैं 2 बार इनसे मिलने गया सांत्वना देने के लिए, और हमारी टीम लगी रही। एक CCTV के फुटेज में इनका फ़ोटो मिला, धुंधला था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें और रेकी किया, फिर और आगे जाके किसी ATM में इसने पैसे ट्रांजेक्शन किए थे, फिर ATM के माध्यम से उसके फ़ोटो निकाल के, मतलब वो बताना बहुत उचित नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली हमने इसको वॉच किया। फिर क्या हुआ, एक दिक्कत क्या आ गई कि इसका मोबाइल चोरी हो गया, जिसे हम ट्रैक कर रहे थे। वो मोबाइल चोर लेके चला गया पूर्णिया, कभी बिहार, कभी सहसवान। हमारी टीम कभी सहसवान जा रही है, कभी पूर्णिया जा रही है, कभी सिल्लीगुड़ी जा रही है, पता नहीं कैसा वो कहाँ टहल रहा है। तो टहलते टहलते हम लोग परेशान हो गए। तो इसका फ़ोन चोरी था, जिसने अपने भाई को कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि इस फुटेज से इसके पूरा पता हमें चल गया था कि यही है। तो जब कॉन्टैक्ट किया तो वो मेरे कॉन्टैक्ट में आ गया, तब मैंने इसको जो है चलती गाड़ी से, क्योंकि उतरता था मोबाइल बंद कर लेता था, काम की बात करता था। तो आज मोबाइल चालू किया, फिर 2 दिन बाद चालू किया। तो ये ट्रेन में, जिस ट्रेन में बैठा उसी ट्रेन में हमारी टीम बैठ गई, चलती ट्रेन से मैंने इनको रिकवर किया, और पूरा का पूरा माल आपके सामने 2,71,65,000 रुपये का ये पूरा बरामद हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान SP City मुकेश मिश्रा, CO City, इंस्पेक्टर उत्तर, इंस्पेक्टर रामगढ़, SOG की टीम, और आप लोगों का भी सहयोग इसमें रहा। कुल मिला के हमारी टीम ने ये बहुत बेहतरीन काम किया, और जनता का विश्वास मेरे में कायम हो, इससे बड़ा इनाम हमारे लिए कोई नहीं है। सर, नगदी शर्मा जी, नगदी कितनी बरामद हुई? 1,40,000 इनसे कोई बराबर हथियार भी बरामद हुए इनसे? हाँ, हथियार भी बरामद करते भी थे इनके पास, वो भी बरामद हुए। सर, इस लूट में किस तरह का रैकेट है? पुलिस टीम के लिए हमारी तरफ से 20,000 रुपये का इनाम है। मैं अपने IG सर से अनुरोध करूँगा, उनका बड़ा मार्गदर्शन रहा इसमें, पल पल वो। इटावा चंबल घाटी विनोबा भावे राष्ट्रीय मिशन के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संचालित चंबल घाटी के विनोबा भावे राष्ट्रीय मिशन के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति का सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। नगर पंचायत एक दिल में बुद्ध विहार पार्क में सांसद निधि द्वारा पुरानी इमारत बनवाई गई थी, जो आज पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। कुछ अराजक तत्व उस इमारत में बैठकर जुआ, शराब आदि जैसे कार्य करते हैं। मिशन के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से अनुरोध किया है कि नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी इकदिल को आदेशित कर मिशन के क्षेत्रीय कार्यालय चलाने के लिए उपलब्ध कराते हुए मिशन को अवगत कराया जाए, राष्ट्र हित, सामाजिक जनहित के कार्य हो सके। गीतम सिंह राजपूत राष्ट्रीय सचिव एवं समस्त पदाधिकारियों द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांग है, हमारी संस्था के द्वारा चंबल घाटी विनोबा भावे राष्ट्रीय मिशन का, मैं राष्ट्रीय सचिव गीतम सिंह राजपूत हूं, हमारी मांग है, मैं सरकार को कई एक ज्ञापन यहां पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब कई एक हमारे आदेश कर चुके, पर कागजों में आदेश होता है पर कार्य कुछ नहीं होता है। किस तरह के आदेश हैं, क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है कार्यालय, संस्था एक राष्ट्रीय संस्था को एक कार्यालय सरकारी पार्क एक दिन बना हुआ है, उसमें संसद निधि राष्ट्र के पैसा से बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, वहाँ गुंडागर्दी करते हैं बैठ के, खाली खंडर बनी जा रही है, उस कार्यालय को हमारी मांग थी। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया सात को, आज तक मुझे कोई भी खबर नहीं दी गई कि आपका क्या आदेश हुआ क्या आदेश नहीं हुआ, आज तक कोई भी सूचना मिशन को नहीं दी गई। अब आपके और आगे देखते रहिए DB भारती समाचार।
नजर हर खबर पर।